नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट वाला घाट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लीन फेस फोटोशॉप सीसी इन हिंदी। आज हम समझेंगे कि चेहरे को कैसे क्लीन करना होता है, इसका क्या मेथड है, ये क्या प्रोसेस होती है और भी सारी डिटेल चीज़ों को आज हम समझेंगे। इस वाली वीडियो मैंने इस वाली फ़ोटो का यूज़ किया है और मैं बताऊंगा कि एक्चुअल चीज़ इसमें कैसे करना होगा और इसकी क्या प्रोसेस हो सकती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट वाला घाट का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिनका जवाब मैं देना असंभव समझता हूं, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी मैंने वहां पर डाला हुआ है। आर्ट वाला घाट की ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर चेक करो, वहां पर सारी चीज़ें मैंने लगभग डाला है। बोलते हैं पेन टूल कैसे सेट करना है, ये क्या वो क्या, सारी चीज़ें यार जाके विजिट करो, चेक नहीं करोगे समझ कैसे आएगा। आर्ट वाला घाट के यूट्यूब चैनल पर भी जाओ, जाके विजिट करो, हो सकता है थंबनेल में कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन सारी चीज़ें अगर बारी बारी विजिट करके चेक करोगे तो आपको लगभग चीज़ें मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इस वाली चीज़ में क्या है। तो इससे यहाँ पर देखेंगे, इस वाले ग्रुप में मैंने कुछ लेयर्स बना के रखा है। इस लेयर को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो देखेंगे ये फोटो पहले इस तरह से थी, अब इस तरह से आ गई है। तो ये चीज़ मैंने कैसे किया है, यही चीज़ आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, यहाँ पर लिप्स भी देखेंगे, इवन लिप्स और दांतों को भी देखेंगे कि एक अलग कलर हमने वहाँ पर दिया है। तो ये सारी चीज़ों को समझेंगे। यह त्वचा का कलर देखिए आप कितना क्लियर आया है अभी और पहले के मुकाबले क्या था है। तो इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देने वाला हूँ और ये फोटो हमारे सामने ओरिजिनल वाली रखी हुई है। यहाँ से सबसे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर ला लूँगा, वापस इधर आएंगे, ब्राइटनेस में क्लिक करेंगे थोड़ा सा। ब्राइटनेस हम क्लिक करने के बाद में या लेवल चेक कर लेते हैं, इसका लेवल कंट्रोल एल की बटन दबाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये इतना बढ़ा दिया, इधर से इतना और इधर से इतना, इतना काफ़ी है बस। और यहाँ से इधर पे आऊँगा और यहाँ से डस्ट वाला फिल्टर चलाऊँगा 1% का लगभग, और 1% चलाने के बाद इधर आएंगे फेड में क्लिक करेंगे। इसको ज़रूरी नहीं है कि डस्ट वाला तुम चलाओ या नहीं चलाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि तुम इसका उपयोग कैसे कैसे कर पाओगे। डस्ट वाला फिल्टर चलाने के बाद में यहाँ से आएंगे वापस, ये दोनों फिल्टर मैंने एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड किया, लेकिन इनको बनाने का मेथड यहाँ से लेके इधर के जो पूरे फिल्टर्स दिए आपको, यह सारी चीज़ों में इनका मेथड है, लेकिन उतनी सारी प्रोसेस करके नहीं बताया जा सकता और जल्दी से करना, इसीलिए मुझे यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड किए हुए फिल्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मैं यूज़ करूँगा सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, लेकिन आपको मेन वाली हर वो चीज सीखनी होगी। अगर ये भी चीज चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर जाके चेक करो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे ये चीज डाला है कि नहीं। यहां से पोर्ट्रेट में क्लिक करूंगा और यहां से इधर पे क्लिक कर दूंगा, जैसे क्लिक करता हूं ये फिल्टर चल चुका होगा, लगभग ये चल चुका है। ओके क्लिक कर दूंगा, जैसे वैसे ही देखेंगे यहाँ पर ये परसेंटेज देख लेंगे सब, ये फिल्टर चल चुका है। और इधर आएंगे वापस फिल्टर में आएंगे, इधर नॉइज रिड्यूस ये ऑप्शन आ गया HTML नॉट इंस्टॉल का, इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ से ऑटो प्रोफाइल में क्लिक, इधर अप्लाई में और इधर पर क्लिक करके चेक करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ हो गई फिल्टर, कंट्रोल एम का बटन दबाएंगे कीबोर्ड के साथ में, या फिर इधर पे आएंगे इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ पर इधर, और यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा कम, बस इतना काफ़ी। ओके कर दिया और इधर आएंगे और कंट्रास्ट ब्राइटनेस में आ जाएंगे और देखेंगे कि ये चीज़ आपके सामने बन चुकी है। और इधर आएंगे और ये बर्न टूल पे आएंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, इधर पे भी इसको इरेज, इधर भी और इधर और इधर, और देखेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ इसको, ये ब्लैक कर दिया थोड़ा थोड़ा मैंने, और यहाँ से थोड़ा शैडो चला दूंगा, यही वाला अल्टर की बटन दबाए रखूँगा, इधर वाइट होने लगेगा ये, और यहाँ से इसके लिप्स रेड करने के लिए यही वाला बटन डार्क कर दूंगा, थोड़ा देर रेड में आ जाएगा, ये देखेंगे रेड में आने लगे, थोड़ा थोड़ा रेड हो जाएगा, बस इतना काफ़ी। और इसी को यहाँ रहते हुए या फिर इस वाले टूल में आएंगे, इसको छोटा कर देंगे और यहाँ से इसको चला दूंगा तो वाइट भी होने लगेगा, लेकिन ये चीज़ नहीं भी करते तो भी चल जाता है, या करना है तो एक और भी मेथड है इसका। यहाँ से आएंगे इस वाले टूल में, इसको कट लगा देता हूँ मैं, जितना मुझे चाहिए उतना। ध्यान से समझेंगे यार, बहुत ही आसान है, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ से आएंगे सिलेक्ट और इधर पे आके फेदर में क्लिक कर देंगे और दो का फेदर दे देंगे, और इधर आएंगे एडजस्टमेंट और यहाँ हुई एंड सेचुरेशन, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बस इतना काफ़ी है। ओके क्लिक, और इधर से आके ब्राइटनेस कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, बस इतना काफ़ी है।
और इसको कर देंगे फिट ऑन स्क्रीन। अब चेक करेंगे पहले की फोटो कुछ इस तरह से थी, अब देखेंगे कि कितना चेंजेस में आपने लाया है। तो देखा यार आपने बेहद ही आसानी से, और इसमें सुधार किए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आईब्रो सेट करना है तो आईब्रो भी सेट कर सकते हो आप, यहाँ से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके इधर पे, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही कर सकते हो आप, ज़्यादा नहीं करना है तो आपको थोड़ा कर सकते हो, ये आईब्रो भी सेट कर सकते हो। देखो पहले के मुकाबले ये चीज़ कैसे काम कर गई, और भी बेसिक तरीके से एडवांस लेवल तक के इस चीज़ को सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, बनाया जा सकता है। और भी इसके मेथड और हैं, चाहे वो पेंट टूल से रिलेटेड हो, चाहे मास्क करके बनाया हो, इरेशर करके बनाया हो, लाइट कंट्रास्ट बढ़ाने के बाद, या फिल्टर करके, या बहुत सारा मेथड ऐसा है जिसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए सिर्फ यही चीज़ थी यार, कैसा लगा ट्यूटोरियल कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को। अगर आपको कोई भी चीज समझनी हो, देखनी हो, हिंदी में ब्लॉग पढ़ना हो, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं artbalaghat.com, thevikkishow.com, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मुझसे कोई स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हो, या कोई स्पेशल जानकारी चाहते हो, सॉफ्टवेयर चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम किसी में भी जाके सोशल हैंडल पे फॉलो कर लो और मुझे मैसेज करो, कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, बस थैंक यू। कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बाकी जानकारी के लिए मैं अवेलेबल हूँ आपकी सुविधा में। तो फिलहाल के लिए यही चीज़ है, थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।